की है, वो वर्ग ऐसा है जो हमें वोट करता है, वो भी लाभार्थी था, लेकिन ये लाभार्थी शब्द ये कॉइन हुआ जब आपने मुफ्त में अनाज देना शुरू किया और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, कुछ ऐसा जैसे शौचालय बनाना, जैसे घर बनाना, पहले भी मुझे अब रोकना पड़ेगा। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का देखिए नतीजा आ गया है एनालिसिस का, और वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक किस मुद्दे पर वोटरों ने वोटिंग की है ये देखिए, 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट डाला है, 40% और इत्तेफाक देखिए 40% एक बार फिर इस एनालिसिस में भी सामने आ रहा है, 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दिया, 26% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार के नाम पर वोट दिया, 19% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया, 6% लोकल इश्यूज और 4% कुछ और। यह है कर्नाटक चुनाव से न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस, इसे आप 13 तारीख के नतीजों से जोड़कर देख सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार के लिए 40% लोगों ने वोट दिया है, अबे दुबे क्या संकेत है, 40% लोग करप्शन को मुद्दा मान रहे हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो कि आर्थिक मुद्दों से भी ऊपर चला जाता है, महंगाई और बेरोजगारी में चुनाव नहीं लड़े जाते हैं हिंदुस्तान में, एकाध किसी अपवाद चुनाव को छोड़कर, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़े गए हैं और उसमें चुनाव में जीत हार भी हुई है, इसमें मुद्दा हावी रहा है। इस चुनाव में खास तौर से भ्रष्टाचार के सवाल पर जो राष्ट्रीय बहस चल रही है उसका कर्नाटक में आप एक छोटा नमूना देख सकते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं देश के पैमाने पर। आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर करप्शन का आरोप लगाता है, यहां यह है कि सत्ता पक्ष भी, मोदी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है कि सारा विपक्ष भ्रष्ट है। विपक्ष भी कह रहा है कि भाई आप अदाणी के मसले को उठा के आप भी भ्रष्ट हैं। तो अब जनता देख रही है, कर्नाटक की जनता अपने विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में देख रही है, तो अब ये देखना होगा कि जनता किसकी बात सुन रही है। अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, मान रही है अभी बता दूंगा मैं, क्योंकि ये जो है ये एनालिसिस है, और जो लोग वोट देकर बाहर निकलते हैं उनसे बातचीत के आधार पर ये एनालिसिस है। अगर 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दिया है तो किसके पक्ष में ये वोट जा रहा है उसका कुछ अंदाजा आपको थोड़ी देर में हो जाएगा, जब न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस आपको सीटों का प्रोजेक्शन भी देगा 13 तारीख के लिए। तो कहीं मत जाइए, अभी हमारी स्क्रीन को देखते रहिए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य आप जानते ही हैं देश भर में मशहूर है, जो भी एनालिसिस करता है आमतौर पर सही साबित होता है। सुकेश, 40% लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, उसके अलावा 26% लोग, 26% पार्टी और उम्मीदवार देखकर वोट दे रहे हैं, 19% विकास, लोकल इश्यू सिर्फ 6% है, 6% और 4% अन्य। आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? जो ये 40% वाला फिगर है वो सहसा आपको अपनी तरफ खींचता है, और कांग्रेस ने चूंकि अर्ली स्टार्ट लिया था, कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजिस्ट थे उन्होंने पीसीएम करके जो एक कैंपेन चलाया और वो 40% कमीशन का कैंपेन था, और आपने ठीक कहा कि संयोग से ये 40% लोग भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बाकी इश्यूज के अलावा जो मुद्दे उठाए उसमें भ्रष्टाचार भी एक इशू था। तो ये एक लॉजिक हो सकता है कि भ्रष्टाचार एक इशू था, ये कांग्रेस के पक्ष में गया, हम ये मान सकते हैं चूंकि अर्ली स्टार्ट कांग्रेस का था, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को छोड़ा नहीं, कांग्रेस ने लोकल जो स्थानीय नेताओं ने, सीएम ने, सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया उसको बहुत हैमर किया है, इसलिए ये जो सूचकांक दिख रहा है जो 40% तक गया है ये हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में हो, लेकिन बीजेपी के लोग इसको इस पक्ष में मान सकते हैं कि इस राष्ट्रीय स्तर पे वो तो हमारा मुद्दा है, करप्शन जो है वो कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे से चिपके हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 85% करप्शन की बात की कि ये तो राजीव गांधी खुद मान चुके हैं, लेकिन क्या वो चिपका या फिर जो पहले से कंसिस्टेंट कैंपेन एक कांग्रेस ने चलाया था जिसको मैं पहली बार इतने दिनों में मैंने मानक देखा कि कांग्रेस ने जो बड़े बड़े पहले पन्ने पे इश्तेहार दिए उसमें करप्शन एक बड़ा इशू था, पूरी सरकार कैसे करप्शन के इश्यूज पे 2500 करोड़ में आप सीएम बन सकते हैं ऐसा भी आरोप लगाया उन्होंने, रेड कार्ड दिया बकायदा। तो क्या वो चिपक गया बीजेपी सरकार पे और वहां की स्थानीय लीडरशिप पे? नरेंद्र मोदी क्या उसकी काट नहीं ढूंढ पाए? नरेंद्र मोदी उस दाग को नहीं धो पाए क्या? अगर ये फिगर में तब्दील होता है जो थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक किस मुद्दे पर कर्नाटक की जनता ने वोट दिया ये नतीजा आपके सामने है। 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट किया है, 26% ने पार्टी और उम्मीदवार देखकर वोट दिया है, और 19% लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। स्वाति मलिक कांग्रेस की तरफ से, स्वाति ये 40% लोग जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं
आपका दावा तो यही होगा कि सारे आपके मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, यानी आपके वोटर हैं। बिल्कुल सही बात मानव, अब जैसे आप बोला 40% का जो फिगर आ रहा है ना, इसको देख के मुझे जो यकीन है कि बीजेपी बहुत घबराती होगी, कुछ भी 40% आता है उसी को नाम के लेके। आप इसमें देखिएगा, जब हमने ये शुरू किया, जब हमने ये बोलना भी शुरू किया कि 40% कमीशन ये सरकार खा रही है, जब हमने वो वाली हम अपना नैरेटिव लाए थे, हमने जब वो शुरू किया अपना कैंपेन, उसके बाद भी जब भी प्रधानमंत्री जी उधर आए, बाकी लीडर्स को आप छोड़ दीजिए, अभी आप भी यहाँ पे बोल रहे थे कि जो इलेक्शन जीता जाएगा ये मोदी जी के नाम पे जीता जाएगा, तो जब मोदी जी भी आए रैली में, उन्होंने किसी रैली में उस 40% कमीशन वाले को काउंटर नहीं किया, उन्होंने बल्कि कांग्रेस को, चाहे वो राजीव जी की बात करने लगे, चाहे वो उनको कितनी गालियां मिलती हैं उस बारे में बात करने लगे, उन्होंने जो ये डायरेक्ट इश्यूज हैं जो कांग्रेस उठा रही है बल्कि आज भी, वो उन इश्यूज पे उन्होंने कोई उनका साफ साफ जवाब नहीं दे पाए थे। वो सिर्फ एक बात को घुमा के कि जी ये 40% है, इनके तो खुद बोलते थे कि 85% है, लेकिन साफ जवाब कोई नहीं आया। और ये 40% जो लोग वोट दे रहे हैं आज जो आपका ये आपने दिखाया अभी, वो ये सही है कि ये सारे के सारे कांग्रेस के फेवर में है। ओके, ऑलराइट। अबे दुबे, ये जो 26% लोग पार्टी और उम्मीदवार देखकर वोट दे रहे हैं, तो ये लॉयल वोटर्स माने जा सकते हैं? जो कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस को गए, या बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी को गए, या उम्मीदवार पसंद आ गया? जो आपका प्रश्न है, इसको आप वोटरों में उस तरीके से नहीं कन्वर्ट कर सकते, उस तरह नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। ये तो मोटे तौर पे एक अंदाजा लगता है कि जनता के वोटरों का कितना हिस्सा जो है कौन से मुद्दे को महत्वपूर्ण मान रहा है। जिस वोटर ने पार्टी लॉयल्टी के हिसाब से वोट दिया, इसका मतलब नहीं उसके दिमाग पे भ्रष्टाचार के मुद्दे का असर नहीं है, और जिसने केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे को देख के वोट दिया है वो उम्मीदवार देख के वोट नहीं दे रहा है। तो ये चीजें आपस में जो वोटिंग बिहेवियर के लिहाज से अगर आप देखें तो ये सारा मिला जुला मामला है, कौन किस चीज को कितना महत्व दे रहा है वो इस अध्ययन में निकल के आता है। यानी एक वोटर के लिए मिले जुले ये सारे इशू मिले जुले सारे इशू हैं, यानी जो 40% लोग भ्रष्टाचार पे वोट दिया है उसने दूसरे मुद्दों के बारे में भी सोचा होगा। यानी प्रायोरिटी लिस्ट देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 सबकी अलग अलग हो सकती है। राजीव जेटली, ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 40% लोग वोट दे रहे हैं, राजीव जेटली आपके पक्ष में जाएगा या आपके खिलाफ जाएगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो इस देश में 2014 के बाद से आपने देखा कि वोटिंग शुरू हो गई थी, और किसके पक्ष में गया था उसका अंदाज़ा भी मुझे लगता सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को, पत्रकारों को, राजनीतिक लोगों को है। और जिस तरीके से 2014 के बाद से भ्रष्टाचार करप्शन को दूर भगाकर भाजपा को पास लेकर के आए हैं, उसी के चलते देखिएगा आप कर्नाटका के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाएगी, और ये परसेंटेज जो आप दिखा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में जाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमने इस बात को बताया था कि जो सेंट्रल नेशनल लीडरशिप कैंपेनिंग के लिए आई है वो खुद भी बेल पर बाहर चल रही है। तो आप ये सोचिए, गली में खड़े हो कि आप जोर से चोर चोर बोलेंगे और चोरी आपने की होगी तो इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस आके आपको पकड़ेगी, नहीं, पुलिस तो आप ही को पकड़ेगी आकर, तो ये भी हमारे पक्ष में ही जाने वाला है। ओके, और ये आंकड़ा बस थोड़ी देर में आपको जीरो से तब्दील होकर सीटों में दिखाई देने लगेगा। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एक प्रोजेक्शन कि 13 तारीख को कर्नाटक में क्या होने वाला है आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे, तब तक ये आंकड़ा बहुत अहम आंकड़ा। सुकेश, ये जो 19% लोग विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कर रहे हैं या विकास को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, इसे डिटेल में देखना या इसे तोड़ के देखना मुश्किल होगा कि क्योंकि विकास का मुद्दा सरकार ने भी बनाया, अपनी उपलब्धियां गिनाई, विपक्ष ने भी बनाया, कांग्रेस ने भी बनाया कि देखिए विकास नहीं हुआ, मुश्किल है ना ये कहना कि ये 19% लोग जो हैं ये मुश्किल क्या सोच रखते हैं। जैसा जैसा अभय जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये 19% लोग वो वही लोग नहीं है जो बीजेपी के वोटर होंगे, कि 19% मतलब विकास, विकास मतलब बीजेपी ने विकास किया है इसलिए हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस के भी नहीं हो सकते। वैसे कांग्रेस के भी नहीं हो सकते। बाय एंड लार्ज ये माना जाएगा कि जो डबल इंजन, जिस डबल इंजन की बात नरेंद्र मोदी करते रहे, अमित शाह करते रहे, जो शीर्ष नेतृत्व करता रहा भाजपा का, कि हम डबल इंजन की सरकार ही विकास दे सकती है, हमने विकास किया है। और देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि 18 के बाद वहां विकास होना बंद हो गया, बहुत सारे काम हुए, सारी सरकारें काम करती हैं, तो बहुत सारे लोग उससे खुश भी होंगे। हम पूरे जब कवरेज में थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्थानीय स्तर पे जो काम हुए हैं, जो बड़े काम हुए हैं, उन उसके बारे में बता भी रहे थे। तो ये बहुत ही निश्चित तौर पे ये कहना कि 19% लोग अमुक पार्टी के सपोर्टर हैं वो मुश्किल होगा, लेकिन ये एक इंडिकेशन होता है
प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसमें अधिकतर लोग भाजपा के हो सकते हैं जो समझते हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए, भाजपा ने विकास किया है इसलिए हमें भाजपा को ही वोट देना चाहिए। और ये मिक्स्ड वेजिटेबल है, आप इसको बुफे बना के देख रहे हैं। देखिए ये मिक्स्ड वेजिटेबल है, इसको आप बुफे बना के मत देखें, ये अलग अलग व्यंजन नहीं है, दिस इज अ बुके ऑफ इश्यूज जिसपे बहस हो रही है, जो जनता का मानस बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो पहला जो 26% है पार्टी और उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे, इनको एक ही ब्रैकेट में रखना चाहिए। अगर आपको कैंडिडेट अच्छा लगा है तो वो भी एक स्थानीय मुद्दा है ना, वो स्थानीय प्रॉब्लम नहीं है, मुद्दा तो स्थानीय है, वो एक अच्छा फेस है जिसके चलते पार्टी जीत सकती है और वो अच्छी अच्छी चॉइस है जिसके चलते लोकल एंटी इनकम्बेंसी का सबूत भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ। तो इसलिए तो बहुत सी चीजें जो है ये जो है ये इसका इसको आप बुके बना के देखिए, अलग अलग फूल नहीं है। और दूसरी बात कि किन मुद्दों पे लोग वोट डाल रहे हैं वो एक अहम सवाल है, लेकिन किस तरफ किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं वो इससे पता लगाना मुश्किल है। ओके, थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी वो आंकड़ा भी बस आने वाला है विजय ग्रोवर, तब तक अभी तक जो आंकड़ा आया है उस पर आपका कमेंट क्या है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? 40% करप्शन, 26% पार्टी और उम्मीदवार, 19% विकास। मानक अगर 40% का जो फिगर है जरूर ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा। हालांकि मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो एंटी इनकम्बेंसी बिकॉज ऑफ करप्शन थी उसको कंट्रोल करने का बहुत प्रयास किया। हमने देखा कि जिस तरह से 72 कैंडिडेट्स इनफैक्ट नए चेहरे उतारे गए थे जो फर्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा जो टेंटेड मिनिस्टर्स थे जैसे कि KS ईश्वरप्पा का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिनको टिकट नहीं दी गई और कुछ और नेताओं को भी टिकट नहीं दी गई, तो क्लियरली डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास बीजेपी ने शुरू से ही कर दिया था इस कैंपेन के स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मामला स्टिक हो गया है और एडवांटेज कांग्रेस को जा रहा था। लेकिन फिर भी अगर अब एक्सिट के टाइम पे भी अगर 40% लोग ये मान रहे हैं तो शायद बीजेपी डिड अ लिटिल टू लेट, अ लिटिल टू लिटिल। ओके ऑलराइट, तो ये आंकड़ा देख लीजिए, न्यूज 24 टुडे चाणक्य, सीटें भी बस थोड़ी देर में दिखाने वाला है, 13 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले सबसे सटीक अनुमान, कहीं मत जाइए, न्यूज 24 देखते रहिए। विनोद जी एक कमेंट और। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सुन रहे होंगे मुझे, क्योंकि उनका पक्ष भी जरूरी है जानना, कि जिस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उनके शीर्ष नेतृत्व ने उठाए उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो आमतौर पे नैरेटिव बना लेती है इलेक्शन का वो नहीं बना पा रही थी। अब जैसे ये बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा है, या फिर उसको छोड़िए उसके शायद बेनिफिट्स कुछ हो सकते हैं बीजेपी को, ये जो सावरंटी वाला सवाल उठाया गया मुझे वो बड़ा ही अनर्गल लगा। मुझे ये लगा कि देखिए इलेक्शन में किसी भी रिपब्लिक में और किसी भी लोकतंत्र में और किसी भी प्रजातंत्र में, रिपब्लिक में और डेमोक्रेसी में सावरेंटी इज वेस्टेड इन द पीपल, द वोटर इज द सावरेन। और अगर सावरेंटी की मैं बात करता हूँ इलेक्शन के दौरान, उसमें क्या गलती है? वहाँ के वोटर की सावरेंटी, उसकी पावर जो इलेक्ट करेगी किसी भी इलेक्शन में, द वोटर इज द सॉवरेन, द पीपल आर द सॉवरेन इन अ डेमोक्रेसी एंड इन अ रिपब्लिक। तो ये मुझे अजीब सा लगा, ये सवाल उठाया गया और इलेक्शन कमीशन तक को भी चिट्ठी लिख दी गई। इलेक्शन ऐसे मुद्दों पे नहीं जीते जाते ऐसे, और बहुत से अपार संख्या कर्नाटक में तो जानती भी नहीं होगी कि सॉवरेंटी क्या है, उसको स्पेलिंग नहीं पता होगा सॉवरेंटी के। तो मुझे लगा कि इस बार जो बीजेपी के स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने कोई कार्यकलाप बहुत अच्छा नहीं किया।